डेटा एंड कंपेयर तीनों निकालना है और कंपेयर करना है लास्ट में ठीक है यानी मीडियम निकालना है मीन निकालना है मोड निकालना है मीन और मोड को हम सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज में हम नया सीखेंगे मीडियम सीखेंगे ठीक है मीन हम तीनों मेथड से निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से मीन मेथड मेथड से से और डेविएशन इस वीडियो में हम निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड से मीन ठीक है अगर आपको स्टेप डेविएशन से या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस वीडियो में अपना मीडियन मीडियन निकालने के लिए हम अपने डाटा को इस तरह से लिखते हैं ठीक है सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास मंथली कंजन जो हमारे पास दी हुई है ठीक है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिसको हम एफ एफ आई से रिप्रजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ठीक है वो हमारे पास दिया हुआ है हमें इसमें निकालना होता है सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है वो निकालनी है हमें ये दोनों चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं जो जो गिवन डाटा है हमारे पास सबसे पहले हम उसको लिखेंगे मंथली कंजप्शन हमारे पास दिया हुआ है सिक्सटी फाइव टू एटी फाइव एटी फाइव टू वन ज़ीरो फाइव वन जीरो फाइव टू वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव टू वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव टू वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव टू वन एटी फाइव एंड वन फाइव टू टू जीरो फाइव और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं फोर फाइव थर्टीन ट्वेंटी फोर्टीन एट एंड फोर ठीक है ये दोनों हमारे पास गिवन है ठीक है ये दोनों हमारे पास गिवन है हमें निकालना क्या है सी एफ निकालना है तो सबसे पहले आपको जो ये हमारे पास गिवन डाटा है इसको ध्यान से देखना है ठीक है ध्यान से क्या देखना है कि ये जो गिवन डाटा है हमारे पास ये जो, जो इंटरवल है ये इंटरवल कॉन्टीन्यूज होने चाहिए कॉन्टीन्यूज यानी क्या यानी कि जैसे एट्टी फाइव पे इसका जो अपर लिमिट है इसकी एट्टी फाइव पे ख़त्म है और इसकी लोअर लिमिट एट्टी फाइव से शुरू है इसकी अपर लिमिट वन ज़ीरो फाइव पे ख़त्म है इसकी लोअर लिमिट क्या है वन जीरो फाइव से शुरू है ठीक है ये हमें चेक करना है कि जो डाटा है हमारे पास वो कॉन्टीन्यूज है या नहीं है ठीक है इनके इंटरवल ठीक है या नहीं ठीक ठीक है ना क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमें डाटा को कंटिन्यूस रखना बहुत ज़रूरी है तो हम निकालते हैं इसमें क्या सी एफ यानी क्यूमिटी फ्रिक्वेंसी उसको निकालने का क्या तरीका है उसको निकालना है तो आपको अपने दिमाग में एक ट्रिक याद रखनी है जेड जेड याद रखना है आपको कई बच्चों को सी एफ निकालने में बड़ी दिक्कत आती है यानी उनसे सी एफ निकलता नहीं गलतिया है गलतियाँ करते हैं ठीक है तो सी एफ निकालने के लिए आप एक जेड याद रखोगे कैसे जैसे ये है सी एफ हम यहीं से निकालते हैं अपने एफ से ठीक है तो ये है फोर फोर को हम लिखेंगे एज इट इज फोर हमने लिख लिया एज इट इज ठीक है अब इस फोर को हम इधर भेजेंगे फाइव के पास फोर को हमने भेजा इधर फाइव के पास और ये फोर और ये फाइव दोनों इधर आ जाएंगे ठीक है फोर गया फाइव के पास फोर फाइव को भी उठा के ले आए इधर क्या बन गए फोर प्लस में फाइव कितना हो गया नाइन हो गया अब आपने देखा ये बन गया जेड ठीक है ना अब यहाँ क्या है नाइन आया अब इस नाइन को भेजेंगे थर्टीन के पास नाइन गया किसके पास थर्टीन के पास और नाइन थर्टीन को अपने साथ ले आया तो क्या बना नाइन प्लस में थर्टीन कितना हुआ ट्वेंटी टू ठीक है अब यहाँ आया ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू को भेजेंगे हम किसके ट्वेंटी के पास तो ये क्या बना दोनों आगे इधर ट्वेंटी टू प्लस में ट्वेंटी तो कितना बना फोर्टी टू आ गया फोर्टी टू फोर्टी टू को भेजेंगे फोर्टीन के पास फोर्टीन को भी इधर ले आया तो क्या बना फोर्टी टू प्लस में फोर्टीन इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स अब इस फिफ्टी सिक्स को भेजा एट के पास ये एट को भी साथ ले आया तो क्या बना फिफ्टी सिक्स प्लस में एट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर अब ये सिक्सटी फोर इधर गया फोर के पास ये इसको भी इधर ले आया तो ये क्या बना सिक्सटी फोर प्लस में फोर इज इक्वल टू सिक्सटी एट लास्ट में क्या आया सिक्सटी एट हमें चेक करना है कि जो हमारे पास ये क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है वो सही है या नहीं उसको चेक करने का क्या तरीका है जो हमारे पास ये आई दिया हुआ है अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आता है यानी हम इसको क्या लिखते थे? Fi लिखते थे थे ऑफ पे हम में इसको लिखेंगे इन सब का सम ठीक है कैपिटल सबका सबका हमारे पास 68 आया और जो हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो उसको लास्ट में जो बचा वो भी हमारा 68 आया इसका क्या मतलब है जो हमारा सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है ठीक है कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं सी एफ निकालने में कि इनको एड कैसे करना है तो आप जेड वाली जो ट्रिक है उसके तौर पे आप इसको याद रख सकते हो कि पहले वाला हमने एजिटीज रखा फिर उसको फोर जो आया हमारा उसको अगले वाले के साथ भेजा ठीक है वो उसको साथ ले आया फोर प्लस फाइव नाइन हुआ फिर नाइन को हमने इधर भेजा थर्टीन के पास वो उसको साथ ले आया नाइन प्लस थर्टीन ट्वेंटी टू ठीक है ऐसे हम याद रख सकते हैं और हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जो सी एफ है वो बिल्कुल सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ आधा हमारा क्वेश्चन हो चुका है आगे हम अपने करेंगे फॉर्मूले का यूज मीडियन निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है लिखेंगे हम यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ ठीक है इनटू में क्या एच ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन निकालने के लिए तो मीडियन निकालने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है एल की एन बाई टू की सी एफ की एफ की एच की अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी ये सारी चीज़ें हमें यहीं से मिलेंगी ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस फॉर्मूले में जितने सारे जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनकी एक एक करके बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम करेंगे एल की बात एल क्या होता है एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी क्या अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा एल निकालने के लिए हमें लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास चाहिए तो अब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास के लिए हमें मीडियन क्लास की जरूरत है इसका मतलब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना मीडियन क्लास ठीक है ये जो इंटरवल है इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी है इन सारे इंटरवल में से ठीक है तो उसका क्या तरीका है उसका तरीका ये है जो हमारे पास एन दिया हुआ है यहाँ से हम निकालेंगे अपनी मीडियम क्लास को एन कितना दिया हुआ है हमारे पास 68। अगर हम एन बाई टू करें तो हमारे पास क्या आता है यानी एन है हमारे पास 68। अगर हम करें एन बाई टू तो हमारा क्या आता है 68 एट बाई टू तो ये कट के कितना आएगा 34। ठीक है थर्टी फोर आया हम निकाल रहे हैं क्या मीडियन क्लास मीडियन क्लास के लिए प्रोसेस है ठीक है एन लिया एन बाई टू किया थर्टी फोर आया अब हमें देखना है कि ये थर्टी फोर सी एफ में कहाँ आता है ठीक है सी एफ में कहाँ आता है यानी कि थर्टी फोर से अगले वाली जो बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या है ये थर्टी फोर से छोटा है ये छोटा है ये छोटा है ये थर्टी फोर से बड़ा है बड़े तो ये भी हैं ये भी हैं ये भी हैं लेकिन जो पहला बड़ा है हमें वो लेना है जो पहला बड़ा है हमें वो देखना है ठीक है ये क्या है फोर्टी टू ये थर्टी फोर से पहला बड़ा है ठीक है इस फोर्टी टू के बिल्कुल सामने सामने चले जाओ ठीक है वन ट्वेंटी फाइव टू वन फोर्टी फाइव यानी ये जो इंटरवल है हमारा ये हमारा होगा मीडियन क्लास ठीक है ये हमारा इंटरवल आया मीडियन क्लास हमें क्या चाहिए L चाहिए L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लोअर लिमिट यानी अगर ये हमारी मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट यानी 125 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एल की वैल्यू आ गई ठीक है ये सारी चीजें हम लिखेंगे कि हमारी मीडियन क्लास क्या है मीडियन क्लास हमारी क्या आई मीडियन क्लास इज इक्वल टू वन टू वन ठीक है मीडियन क्लास हमारी आ गई ठीक है एल की वैल्यू आगे हमारे पास एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मीडियन क्लास है हमारी 125 ट्वेंटी फाइव टू वन लोअर लिमिट यानी 125 क्या है हमारी एल की वैल्यू है ठीक है आगे क्या है एन बाय टू अभी तो किया एन बाय टू कितना आया 34 ठीक है एन बाय टू क्या आया हमारे पास 34, रह गया है क्या फॉर्मूले में सी एफ रह गया एफ रह गया एच रह गया ठीक है सी एफ एफ और एच आ जाओ यहीं पे वापस ठीक है ये जो हमारी क्या थी मीडियन क्लास थी मीडियन क्लास के जो बिल्कुल सामने वाला होगा मीडियन क्लास के जो बिल्कुल सामने वाला होगा वो हमारा कहलाएगा एफ उसकी वैल्यू कहलाएगी क्या एफ यानी ये ट्वेंटी जो आया हमारा ये क्या होगा एफ होगा ठीक है लिखेंगे हम यहां पे ये एफ निकालना था ना तो एफ की वैल्यू इज इक्वल टू तो कितना है एफ ट्वेंटी आगे क्या है सी एफ जो हमारा सी एफ होगा ये है हमारी मीडियन क्लास उसके सामने वाला एफ है उसके बिल्कुल सामने वाला से ऊपर बिल्कुल सामने वाला नहीं बिल्कुल सामने वाले से ऊपर यानी फोर्टी टू नहीं ट्वेंटी टू क्या है हमारा सी एफ यहां ध्यान रखना बच्चे बहुत बार गलतियां करते हैं कि जो एफ लिया उसी के सामने वाले को सी एफ कर देते हैं उसके सामने वाला सी एफ नहीं आएगा सी एफ आएगा जो एफ के बिल्कुल सामने वाला होगा उससे ऊपर वाला क्या आता है सी एफ आता है ये ध्यान रखना आप ठीक है तो सी एफ आ गया कितना ट्वेंटी Two, CF 22 और एच एच आपको पता ही है एच हमारी होती है हाइट होती है यानी कि जो इंटरवल का डिफरेंस आता है वो हमारा एच होता है यानी कि एट्टी फाइव में सिक्सटी फाइव को माइनस करेंगे ट्वेंटी आएगा वन जीरो फाइव में से एट्टी फाइव को माइनस करेंगे ट्वेंटी आएगा, आएगा यानी सब इंटरवल का डिफरेंस कितना है ट्वेंटी है इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी आई हमारे पास ट्वेंटी अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं इन सारी वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको और बताना चाहती हूँ कि सारी वैल्यूज कहाँ कहाँ से आई ठीक है आपने सबसे पहले लिख लिया जो मंथली कंजप्शन दी हुई थी हमारे पास वो लिख, लिख लिया आपने देख लिया कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ठीक है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपने लिख लिए जो आपके पास डाटा दिया हुआ था क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको निकाल ली है ठीक है वो निकाल लिए आपने फर्स्ट एजीज रखी जो आया है उसमें सेकेंड वाला इसका एड किया वो यहाँ रखा जिसका जो इसका आंसर

जरूरत पड़ेगी एल एल क्या होता है एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इसका मतलब हमें सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी मीडियन क्लास हमने कहाँ से ली मीडियन क्लास हमने ली इससे ठीक है ये उठाया हमने एन एन क्या लिया 68 एट एन रख दिया हमने 68 N 2 करते हैं तो हमारे पास 34 आता है ठीक है इसको इससे कट करने पर क्या आता है 34 आता है तो इसका मतलब एन बाई टू की वैल्यू क्या आ गई 34 हमने इस 34 को देखना है कहाँ पे ये जो हमारे सी एफ आए हैं ठीक है, है? यहाँ पे हमें देखना है कि इन सी एफ में थर्टी फोर से एकदम अगले वाली वैल्यू क्या है ठीक है तो हमने देखा जो फोर्टी टू है वो सी एफ से एक एकदम अगले वाली थर्टी फोर से एकदम अगले वाली वैल्यू है इसका इसका मतलब मतलब हम ये जो जो है इसके बिल्कुल सामने वाला इंटरवल उठाएंगे 125 145। इसका मतलब जो मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आ 125, है? दूसरी चीज हमें निकालनी थी एन बाई टू अभी तो निकाली थी एन बाई टू क्या थर्टी फोर एन बाइ टू भी आ गया निकालना 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 था, F निकालना था, H निकालना था. क्या क्या है? H होता है है है, F. F होता है? होता होता इनका पीछे भी पढ़ा को. ठीक और जो 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 हमारा ये इंटरवल आया, मेडियन क्लास आई, उसके बिल्कुल सामने वाली जो होगी, उसको हमने ले लेना है। क्या? F. लेकिन जो Cf है, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ठीक है उसको हमने ले लिया सी एफ क्या ट्वेंटी आया इन सारी वैल्यूज को अब हम करेंगे फॉर्मूले में पुट आशा करती हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है अब क्या है वैल्यू पुट करेंगे हम एल एल की जगह हम क्या लेंगे एल की वैल्यू हमारी है वन ट्वेंटी फाइव ठीक है प्लस में एन बाय टू एन बाय टू क्या है हमारे पास थर्टी फोर थर्टी फोर माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है ट्वेंटी टू डिवाइड बाय एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास ट्वेंटी इंटू में एच की वैल्यू हमारे पास क्या है ट्वेंटी अब देखो ट्वेंटी से ट्वेंटी डायरेक्ट कट गया ठीक है वैल्यू क्या आई वन ट्वेंटी फाइव प्लस में थर्टी फोर में से ट्वेंटी टू को माइनस करेंगे आएगा ट्वेल्व आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा वन थर्टी सेवन ठीक है ये हमारा क्या निकल गया ये हमारा निकल गया मीडियन ठीक अब हम निकालेंगे मोड मोड़ निकालने के लिए गिवन डाटा है हमारे पास तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोड़ का फॉर्मूला मोड़ का फॉर्मूला क्या होता है मोड इज इक्वल टू मोड़ इज इक्वल टू एल प्लस में एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइड बाय टू एफ वन माइनस ऑफ एफ नोट माइनस ऑफ एफ टू इन टू में क्या है एच ठीक है इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ने से पहले हम चलते हैं अपने किसकी मॉडल क्लास की तरफ ठीक है इनमें से हमारी मॉडल क्लास कौन सी है वो फाइंड आउट कर सबसे पहले हम करते हैं तो उसका क्या तरीका है जैसे ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है ठीक है मंथली कंजप्शन नंबर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मंथली कंजप्शन यहाँ पर दी हुई है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से ठीक है यानी फ्रीक्वेंसी हमें हमारे पास दी हुई है हमें देखना होता है कि इस फ्रीक्वेंसी में से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है तो ये जो 20 है ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और जो इसका इंटरवल है वो कौन सा है 125 टू 145 इसका इंटरवल कौन सा है 125 टू 145 इसका मतलब ये जो इंटरवल आया हमारे पास यही है हमारी मॉडल क्लास ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे हम मॉडल क्लास मॉडल क्लास क्या है हमारे पास इंटरवल विद इंटरवल विद हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है वन ट्वेंटी फाइव टू वन फोर्टी फाइव ठीक है मॉडल क्लास हमारे पास आ चुकी है अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ फॉर्मूले में क्या क्या है ठीक है फॉर्मूले में जितनी चीजें हैं उनको एक एक करके लिखेंगे और उनकी वैल्यू क्या है वो हम लिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले है फॉर्मूले में एल एल क्या होता है एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो ये जो मॉडल क्लास आई है इसकी लोअर लिमिट क्या है 125 तो हम लिखेंगे 125 क्या है एल की वैल्यू है यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आई हमारे पास 125 आगे क्या है एफ वन एफ वन क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास अब मॉडल क्लास हमारी कौन सी है 125 टू 145 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास ट्वेंटी ठीक है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 तो इसका मतलब जो ये 20 है ये हमारी क्या है f1 की वैल्यू है ठीक है 20 क्या है? हमारे पास f1 की वैल्यू इसका मतलब f1 क्या है 20 तो अगला है हमारे पास f नोट f नोट क्या होता है f नोट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है ट्वेंटी यानी उससे बिफोर यानी क्या पहले वाली जो क्लास होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं एफ नोट कहते हैं यानी थर्टीन हमारे पास क्या आया एफ नोट की वैल्यू आई तो लिखेंगे यहाँ पे थर्टीन अगली क्या है एफ टू एफ टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं एफ टू बोलते हैं ठीक है उसकी वैल्यू कितनी है फोर्टीन उसकी वैल्यू कितनी है फोर्टीन तो आगे हमारी किसकी बात एच की बात एच हमारा क्या होता है एच हाइट होता है यानी जो इंटरवल है इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एच होता है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास है ट्वेंटी तो ये सारी वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास एल आ गया एफ आ गया एफ नोट आ गया एफ टू आ गया एच आ गया इन सब की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे लिखेंगे हम मोड इज इक्वल टू एल एल की जगह क्या लिखेंगे हम वन ट्वेंटी फाइव प्लस में एफ वन एफ वन की जगह हम रखेंगे ट्वेंटी माइनस में एफ नोट एफ नोट की जगह हम रखेंगे थर्टीन डिवाइड बाई टू इंटू में एफ वन एफ वन की जगह रखेंगे ट्वेंटी माइनस एफ नोट एफ नोट की जगह रखेंगे थर्टीन माइनस में एफ टू एफ टू की जगह रखेंगे फोर्टीन इन टू में एच एच की जगह हम रखेंगे ट्वेंटी ठीक है अब करेंगे हम इसको सोल्व ये क्या आएगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस में ट्वेंटी में से थर्टीन को माइनस करते हैं क्या बचता है सेवन डिवाइड बाय ट्वेंटी को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी आएगा माइनस के इन दोनों को ऐड करेंगे ट्वेंटी सेवन आएगा इनटू में क्या है ट्वेंटी तो अब क्या आएगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन डिवाइड बाय फोर्टी में से ट्वेंटी सेवन को माइनस करेंगे क्या बचेगा थर्टीन इंटू में ट्वेंटी अब ट्वेंटी को करेंगे सेवन से मल्टीप्लाई क्या आएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी डिवाइड बाई क्या है थर्टीन वन फोर्टी को थर्टीन से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है वन फोटी को करेंगे थर्टीन से डिवाइड थर्टीन वन जहा कितना थर्टीन बचा क्या वन जीरो ये जाएगा नहीं तो जीरो पे जाएगा वन जीरो जीरो तो ये जाएगा थर्टीन जा कितना आता है नाइन्टी वन तो माइनस करके बचा नाइन जीरो तो आगे जाएगा किस पे सिक्स पे जाएगा ठीक है तो हम यहीं तक इसको स्टॉप कर देंगे टेन पॉइंट सेवन सिक्स आया तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे वन ट्वेंटी फाइव प्लस में टेन पॉइंट सेवन सिक्स अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा वन ट्वेंटी फाइव में टेन पॉइंट सेवन सिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सिक्स सेवन पॉइंट फाइव थ्री वन यानी कि वन थर्टी फाइव पॉइंट सेवन सिक्स ये हमारी वैल्यू आई किसकी ये हमारी वैल्यू आई मोड की ये हमारी वैल्यू आई किसकी ये हमारी आई मोड़ की वैल्यू अब हम निकालेंगे मीन को वो भी अपने डायरेक्ट मेथड से ठीक है तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हम अपने डाटा को इस तरह से लिख लिए हैं मंथली कंजप्शन जो हमारे पास दी हुई थी वो लिख ली हमने नंबर ऑफ कंज्यूमर जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख लिए निकालना क्या होता है इसमें निकालना होता है एक्स आई एफ आई एक्स आई ठीक है एक्स आई एक्स आई क्या होता है एक्स आई होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू अब इन दोनों के बीच में क्या है अगर आपको देखने से पता लग जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता लगता कि इन दोनों के बीच में क्या है तो आप एक फॉर्मुला यूज कर सकते हो जैसे ये क्या है हमारी लोअर लिमिट यह है अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय टू करते हैं तो हमारा एक्स ही आ जाता है यानी बीच की वैल्यू आ जाती है लेकिन अगर आपको ऐसे ही पता लग जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 65 75 के बीच में आपको देखने से पता लग रहा है कि 75 हैं 85 और 65 और 85 के बीच में 75 है ठीक है 85 और 105 के बीच में क्या है 95 है 105 और 125 के बीच में 115 हैं वन ट्वेंटी फाइव और वन फोर्टी फाइव के बीच में वन थर्टी फाइव है वन फोर्टी फाइव वन फाइव के बीच में वन फिफ्टी फाइव है वन 185 फाइव वन एट्टी फाइव के बीच में क्या है वन सेवेंटी फाइव है वन एट्टी फाइव और टू जीरो फाइव के बीच में वन फाइव है ये हमारे सारे के आगे एक्स आई अब हम निकालने एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई ये हैं एफ आई ये एक्स आई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली टर्म को पहले वाली से करेंगे सेवेंटी फाइव को करेंगे फोर से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आता है थ्री हंड्रेड ठीक है नाइन्टी फाइव को करेंगे फाइव से करेंगे तो क्या आएगा फोर सेवेंटी फाइव वन वन फाइव को थर्टीन से करेंगे वन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव आएगा ट्वेंटी को करेंगे वन थर्टी फाइव से तो क्या आएगा टू सेवन जीरो जीरो वन वन फाइव को करेंगे फोर्टीन से तो क्या टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी वन फाइव को करेंगे एट से तो क्या आएगा 1400 हंड्रेड और वन नाइन्टी फाइव को करेंगे फोर से तो हमारे पास आएगा सेवन ठीक है यहां तक हमने निकाल लिया मीन निकाल लें किसी डायरेक्ट मेथड से तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है लिखेंगे मीन बाय डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये क्या है समीशन ऑफ एफ आई समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आई तो हमने निकाले समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का क्या मतलब है इन सब एफ आई एक्स आईज का सम ठीक है इसको लिखेंगे हम समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन सबको एड करके हमारे पास आता है नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई समीशन ऑफ एफ आई ये क्या है सारे एफ आईज हैं तो समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है समीशन ऑफ एफ आई यानी इन सब एफ आईज का सम ठीक है इनको ऐड करके क्या आता है सिक्सटी एट अब इन दोनों की वैल्यू इस फॉमूले में रखेंगे ठीक है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह हम रखेंगे नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई की जगह हम रखेंगे सिक्सटी एट इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है इसको रखेंगे अंदर इसको रखा बाहर तो क्या किस पे जाएगा वन पे जाएगा क्या आया सिक्सटी एट तो ये क्या बचा टू फाइव टू अब किस पे जाएगा ये थ्री पे जाएगा तो क्या आया टू ज़ीरो फोर ठीक है इसको माइनस करके क्या बचा फोर एटी अभी किस पे जाएगा अब जाएगा ये सेवन पे जाएगा ठीक है तो सेवन पे जाएगा तो हमारे पास आता है फोर सेवेंटी सिक्स माइनस करके बचता है हमारे पास फोर्टी अब नहीं जा रहा तो किस पे जाएगा जीरो करना पड़ेगा तो क्या आएगा फोर हंड्रेड ठीक है अब जाएगा किस पे ये फाइव पे थ्री फोर्टी डॉट के बाद हमने टू डिजिट आ गई तो हमने यहीं तक इसको स्टॉप कर दिया तो हमारा आंसर आया वन थर्टी सेवन पॉइंट जीरो फाइव ये हमारा निकल गया क्या मीन मीन निकाला हमने किससे डायरेक्ट मेथड से अगर आपको स्टेप डेविएशन या फिर अज्यूम्ड मीन देखना तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं तो लास्ट में हमें कंपेयर भी करना था अपने डाटा को ठीक है जो जो हमारा मीन आया उसकी वैल्यू आई वन थर्टी सेवन पॉइंट यहाँ पर हम लिख देंगे मीन आया हमारे पास वन थर्टी सेवन पॉइंट ज़ीरो फाइव ठीक है मोड़ आया हमारे पास वन थर्टी फाइव पॉइंट सेवन सिक्स एंड जो मीडियन है मीडियन आया हमारे पास वन थर्टी सेवन इसका मतलब क्या हुआ इनकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है सेम है ठीक है तो हम लिखेंगे द थ्री मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटलीक्सीमेटली द सेम इन Case, इन दिस केस ठीक है इन सब की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो हमने लास्ट में जो कंपेयर करना था अपने डाटा को तीनों को तो हमने वो भी कर दिया ठीक है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू